नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पल्लवी सरी। जम्मू कश्मीर बैंक में रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक कॉन्ट्रोवर्शियल मसला बना हुआ है। जम्मू कश्मीर बैंक में पीओ के प्रीलिम्स के रिजल्ट निकलते हैं और जो कट ऑफ है वो जम्मू के लिए 63% होता है और कश्मीर के लिए 42-43%। बाद में एक कॉमन कट ऑफ 43% कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद हाशमी। उनसे जानते हैं कि जब नोटिफिकेशन निकली थी तो उसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया था कि जो रिक्रूटमेंट होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, तो ये किस तरह से कट ऑफ जो है वो दोनों प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट है? पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर बैंक दो रिक्रूटमेंट्स करता है। एक रिक्रूटमेंट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट की करता है और दूसरी रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की करता है। दोनों रिक्रूटमेंट की जब ये नोटिफिकेशन निकलती है, नोटिफिकेशन मेरे पास है, उस नोटिफिकेशन में बैंक पहले दिन ही कहता है दिस इज रिक्रूटमेंट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट्स। इसमें बैंक कहता है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ J&K फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकिंग एसोसिएट्स इन J&K बैंक। कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। यानी जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनको भारत में, पूरे भारत भर में किसी भी बैंक में लगाया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, उनको वहां भेजा जा सकता है। ये बात कर रहा हूं मैं बैंकिंग एसोसिएट की। और उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का भी नोटिफिकेशन निकलता है और इसमें भी यही कहा जाता है कि जिनको सिलेक्ट किया जाएगा उनको पूरे देश में किसी भी जगह पोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। उनके अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम्स हुए। एग्ज़ाम की पहले एक डेट निकाली गई, फिर उस डेट को पोस्टपोन किया जाना पड़ा बिकॉज हालात कुछ इस तरह के बने हुए थे। फिर फाइनली जब एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम होने के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जब रिजल्ट निकला तो सबको अजीब सा लगा कि एक तो जब आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं इनको आपने पूरे देश में लगाना है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि जो लिस्टें निकली हैं, जो लोग सिलेक्ट किए गए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्ट किए गए हैं। यानी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सिलेक्शन हुई है, बडगाम के लिए अलग हुई है, डोडा के लिए अलग हुई है, रजौरी के लिए अलग हुई है, पुंछ के लिए अलग हुई है, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट जब उन्हें पता चला उसमें, और उन्हें ये पता चला कि जी जो श्रीनगर का मेरिट है वो 40-43 के करीब करीब है और कश्मीर वैली का, और इसी उसके कंपैरेटिवली जम्मू का जो मेरिट है वो 62-63 के पास पास है। जाहिर सी बात है ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक खाई है, एक मतलब जम्मू में ऑलरेडी लोगों के अंदर वो एक विश्वास नहीं है। लोगों का ये मानना है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, अपॉइंटमेंट हो, बाकी कोई भी तरीका हो, हर तरीके में कश्मीर के स्टूडेंट्स को फेवर किया जाता है। अब ये निराधार है या नहीं है, या अगर ये निराधार है तो ये काम, इसको प्रूव करना सरकार का काम है, पर सरकार की हरकतें और जम्मू कश्मीर बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन में जब आप पहले आप ऑल इंडिया बेसिस पर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट किसी बैंक में नहीं होती, जम्मू कश्मीर बैंक में आप एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट निकालते हैं, उसमें जब बच्चों ने देखा 40% क्राइटेरिया श्रीनगर के लिए है तो एक हंगामा हुआ। उस हंगामे में आवाज़ ये आई कि अगर आपने कश्मीर में 40 किया है तो आप जम्मू में भी 40 करिए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अभिनव शर्मा, उन्होंने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन जब भी रिक्रूटमेंट के मामले में राजनीति घुस आती है उसके बाद जो होना भी चाहिए वो भी ठीक ढंग से नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट के खिलाफ जब आवाज़ उठी तो कहा गया जी आप 40 जी मेरिट कर दीजिए, तो जम्मू कश्मीर बैंक के उस समय के चेयरमैन और जो आज एंटी करप्शन ब्यूरो के नेट में है और एंटी करप्शन ब्यूरो जिनके खिलाफ इस वक्त जो है प्रोब कर रहा है, परवेज़ अहमद ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं ये खुशखबरी तमाम बच्चों को देना चाहता हूँ कि जो ऑल ओवर द स्टेट मेरिट है उसको 40 कर दिया गया है। अब पल्लवी जी यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने पूरे स्टेट का मेरिट 40 कर दिया तो नुकसान तो जम्मू के बच्चों, पहले सुने आप 40 किया, लेकिन 40 किया क्या? डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपने रिक्रूटमेंट का ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू कर दिया था उसी प्रोसेस में आपने 40% कर दिया, यानी रिक्रूटमेंट आप अभी भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ही करेंगे, उसमें हुआ क्या?
उसमें यह हुआ कि कल अगर जम्मू में 65 पर 1:10 की रेशो थी, एक पोस्ट के अगेंस्ट आपको 10 लोग बुलाने थे, अब आपने मेंस एग्जाम में एक पोस्ट के अगेंस्ट कितने बुलाए, 50, विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स, नॉर्म्स के अगेंस्ट है या नहीं वो बाद की बात है, पहले जरा समझना बहुत ज्यादा जरूरी। इसी तरीके से डोडा में मान लीजिए, डोडा में आपका मेरिट जो है बहुत कम था, 43, 44, 42, 40 नंबर लेकर लोग थे, या मान लीजिए 50, 60 नंबर लेकर लोग थे, वहां भी आपने 1:50 कर दिया, आपने किश्तवाड़ में 1:50 कर दिया, आपने रामबन में 1:50 कर दिया, आपने पूरी स्टेट में 1:50 कर दिया, जो नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस ऑल ओवर द कंट्री फॉलो किए जाते हैं, यूपीएससी का आप ले लें, पब्लिक सर्विस कमीशन का ले लें, आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का आप ले लें, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ले लें, या बैंक्स की ही बात, या बैंक्स की ही बात करें, हर जगह आप ये देखेंगे कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब शुरू होता है तो रेशो होती है 1:10, लेकिन यहां रेशो क्या आई, 1:50। अब मामला ये है कि उस समय होना ये चाहिए था, जो अभिनव शर्मा ने भी कहा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये कह भी रहे हैं, कि जो आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट थी या जो बैंकिंग एसोसिएट की रिक्रूटमेंट थी, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बल्कि स्टेट वाइज होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने जिन ऑफिसर्स को ऑल ओवर द कंट्री पोस्ट करना है, आप उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे रिक्रूट करेंगे, या तो अगर आपने रिक्रूटमेंट करी है आप उसमें लिख देते ऑल इंडिया बेसिस पर नहीं होगा, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूट होगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। अगर आपका ये प्रोसेस होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस बिल्कुल इसके उलट है। आपके प्रोसेस में है कि रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट में क्या होगा, आप लोगों को डोडा डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे लगेंगे, जी यहां पर ठीके लगा दिए आपने डोडा डिस्ट्रिक्ट के, अब उसे आप दिल्ली पोस्ट करेंगे, आप उसे आप बॉम्बे पोस्ट करेंगे, आपको समझाना पड़ेगा कि वो कैसे, नंबर एक। नंबर दो चीज, जैसे मैं आपको कह रहा था कि 40 उन्होंने कर दिया, अब 40 करने के बाद जम्मू के बच्चों को ये समझना जरूरी है कि अगर स्टेट लेवल मेरिट बनता, स्टेट वाइज स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट बनती, जो बननी चाहिए थी जाब्ते के तहत, तो जाहिर सी बात है जम्मू अगर 200 पोस्ट हैं तो लगभग 140-150 के करीब करीब बच्चे कहां से आते, जम्मू से आते। अब आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट की तो इसका मतलब अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 20 पोस्टें हैं तो 20 ही लोग लगेंगे, बाकी तो कोई लगेगा नहीं। अगर भद्रवाह में 30 पोस्टें हैं तो 30 ही लोग लगेंगे, बाकी कोई लगेगा नहीं। अगर आपके सांबा में 15 पोस्टें हैं तो 15 ही लोग लगेंगे, सोलमा कोई लगेगा नहीं। हाँ, एक ईगो सेटिस्फेक्शन ये होगी कि लोग जो भद्रवाह का है वो भद्रवाह में लगेगा, जो किश्तवाड़ का है वो किश्तवाड़ में लगेगा, जो जम्मू का है वो जम्मू में लगेगा। बात आपको समझ आ रही है। दूसरा, अब आपने मेंस एग्जाम भी कर लिया, मेन एग्जाम करने के बाद 1:50 रेशो में जो आपने मेन किया है, क्या इसके बाद अब स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट लिस्ट लाएंगे, क्या आप स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट लिस्ट लाएंगे, क्या अब जो लिस्ट निकलेगी वो स्टेट वाइज होगी, क्या मेरिट अब स्टेट वाइज बनेगा, अब सवाल ये है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम भूल रहे हैं वो है लद्दाख का। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट हो रही थी और जब लिस्ट निकली थी तो लद्दाख का कट ऑफ 40 से भी कम था, और अब जब स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो 40 कर दिया गया है कि लद्दाख के बच्चे जो पहले सिलेक्ट हुए थे अब उनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, लद्दाख का जहां तक ताल्लुक है, मैं डिस्क्रिमिनेशन की पल्लवी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूं, नॉर्म ये है। आप इसको जरा इस तरीके से समझिए, रिक्रूटमेंट मैं आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता हूं। लद्दाख की बात नहीं है, जम्मू की बात नहीं है, कश्मीर की बात नहीं है, कठुआ या सांबा की बात नहीं है, बात यह है रिक्रूटमेंट का आपका तरीका क्या है। पल्लवी, जब आपको जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट करनी होती है, एक आपकी रिक्रूटमेंट की एजेंसी है SSRB, स्टेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, एक आपकी रिक्रूटमेंट की एजेंसी है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। जो बच्चा आपका जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूट होकर आएगा वो गैजेटेड पोस्ट के लिए आएगा, और वो जम्मू में भी पोस्ट हो सकता है, वो कश्मीर में भी हो सकता है, वो लद्दाख में भी हो सकता है, ठीक है जी। जहां जहां पर जम्मू कश्मीर के दफ्तर होंगे वो हर जगह पोस्ट होगा, लेकिन जो SSRB के जरिए रिक्रूट होंगे वो क्लरिकल पोस्ट के लिए होंगे, नॉन गजटेड पोस्टों के लिए होंगे। मैक्सिमम पोस्टें जो SSRB में जो रिक्रूटमेंट होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है एक लेवल तक, यानी क्लर्क को जिसको आपने डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए लगाया, आपने डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्टें निकाली SSRB के थ्रू रिक्रूटमेंट की, आपने एक बच्चे को लगाया कहां पर, आपने उसको डोडा में लगाया। जब आपने उसको डोडा में लगाया तो डोडा में लगाने के बाद क्या हुआ,
जब आपने एक बच्चे को डोडा में रिक्रूट किया, आप उस क्लर्क को ट्रांसफर करके कश्मीर नहीं भेज सकते, आप उसकी ट्रांसफर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होती, यानी आप डिस्ट्रिक्ट डोडा से डिस्ट्रिक्ट रामबन भी उस क्लर्क को नहीं भेजते, आप उसको डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही घुमाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब वो नॉन गजटेड सेक्शन से, नॉन गजटेड पोस्ट से गजटेड पोस्ट की तरफ आता है, तो फिर उसकी ट्रांसफर जो है वो डोडा बदरवा हो सकती है। उसके बाद भी पल्लवी एक और चीज़ है कि कई जिन लोगों को आप जम्मू प्रोविंस में अपॉइंट करते हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो गजटेड पोस्ट पर हैं, लेकिन ऐसी पोस्टों पर हैं जो पोस्टें SSRB से रिक्रूट होकर आई हुई हैं, उन लोगों की प्रोविंशियल लेवल की ट्रांसफर नहीं होती। यानी आप एक क्लर्क को, एक सेक्शन अफसर को जम्मू से कश्मीर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यू डू नॉट डू दैट। मतलब आप जम्मू के मुलाजिम को कश्मीर ट्रांसफर नहीं करते, आप कश्मीर से शीप हस्बेंड्री ऑफिस के या एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी सेक्शन अफसर को उठाकर जम्मू नहीं भेजते, क्योंकि ये पोस्टें प्रोविंशियल लेवल की पोस्टें नहीं है। प्रोविंशियल लेवल की पोस्टें कौन सी है? जो गैजेटेड है, जो ट्रांसफरेबल है, जिनकी ट्रांसफर जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू हो सकती है। यह आ गया सरकारी तंत्र, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में गजटेड अफसर लग गया, उसको आप कहीं पे भी पोस्ट करोगे, लेकिन आप क्लर्क को तो ना सब जगह पोस्ट करोगे। अब बैंक का बिल्कुल इसके उलट है, बैंक में आपके जो क्लर्क्स हैं, बैंक में जो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, चूंकि इनको आपने देश भर में जहां जहां आपकी ब्रांचेस हैं वहां पर पोस्ट करना है, तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्रूटमेंट कैसे की? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को लगा कैसे सकते हो? क्या डोडा में जिस आदमी को आप लगा रहे हो बैंक में, आप उसको दिल्ली नहीं भेजोगे? नहीं, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या जम्मू कश्मीर बैंक में ऐसा पहली बार हो रहा है? यहां पर एक यूनिक किंग है, वो कह रहे हैं बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, पहले नोटिफिकेशन देख लो। मैंने नोटिफिकेशन ही देखी है, मैं नोटिफिकेशन ही पढ़ रहा हूं। और ये अक्षय गुप्ता कह रहे हैं वन स्टेट वन मेरिट, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग रिमेन्स टेम्परेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ईयर्स। अब आप देखिए तथ्य किस तरह के सामने आ रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट जो रिक्रूटमेंट होती है वो दो, जो पोस्टिंग होती है वो 2 साल के लिए होती है। शायद महोदय को ये पता नहीं है कि जो आउट ऑफ स्टेट आपकी जब ट्रांसफर कर दी जाती है, वापस जब आपने आना होता है, वो चेयरमैन की और चेयरमैन का जो स्टाफ होता है उसकी स्वीट मिल पर डिपेंड करता है कि वो आपको वापस लाएगा या नहीं लाएगा। अगर उसका मन किया आपको वहाँ 4 साल के लिए रखने के लिए, वो रखेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, मुझे समझ में नहीं आता ये किस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन तो मेरे पास भी है, मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूँ, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट है? मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट है। तभी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला है? नहीं, ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट हुआ है, और पहली बार भी शायद इसलिए हुआ है कि बैंक के चेयरमैन किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो किसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई एक कोशिश जरूर थी कि मैं फलान लोगों को खुश करूं ताकि मेरा कम से कम बैंक के चेयरमैन का टेन्यूअर जो है वो लंबा टेन्यूअर हो। ये दिस इज माई हंच, आई एम नॉट सेइंग आई एम श्योर अबाउट दिस, बट दिस इज माई हंच। लेकिन इंपॉर्टेंट पल्लवी ये है कि अगर स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट लिस्ट बनती तो जाहिर सी बात है स्टेट लेवल का मेरिट, अगर आपका जम्मू का 65 पर है, आप स्टेट लेवल की लिस्ट बनवाइए, जाहिर सी बात है जम्मू के बच्चे उसमें ज्यादा होते हैं। और जब जम्मू की हम बात करते हैं, वो जो मेरे दोस्त इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हम जम्मू की जब बात करते हैं, हम डोडा की बात कर रहे हैं, हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, हम सांबा की बात कर रहे हैं, हम कठुआ की बात कर रहे हैं, यानी हम जम्मू संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने KS की और KPS की लिस्टें निकाली, सिविल सर्विसेज की जो लिस्टें आई, रजौरी पुंछ के कितने बच्चे उसमें आए, डोडा बदरवा किश्तवाड़ के कितने बच्चे उसमें आए, आपके सांबा और कठुआ के कितने IAS ऑफिसर पिछले दिनों बन गए। तो ये चीजें एक चीज साबित कर रही, एक मिथ को ब्रेक किया जा रहा है। एक मिथ तो ये कि सारी विजडम, सारा इंटेलेक्ट, सारी इंटेलिजेंस जो है वो कश्मीर में बसती है, ये मिथ भी बस्ट हो रहा है। और दूसरा ये मिथ बस्ट हो रहा है कि जनाब जब भी रिक्रूटमेंट होगी तो इसमें जो 70% है वो कश्मीर आएगा, नहीं हो रहा। आपकी नीट की इस बार जो परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा में कश्मीर के बच्चे ज्यादा आए, तो किसी ने हंगामा जम्मू में नहीं किया, कोई नहीं चिल्लाया, कोई सड़कों पे नहीं गया। हम लोग जम्मू के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, उन्हें समझ में है ये तमाम चीजें। इशू इस वक्त ये है कि अगर एक स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट लिस्ट बन रही थी, उसे बनने क्यों नहीं दिया गया और इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों किया गया? और अगर ये किसी मंत्री, अगर माफ कीजिएगा मंत्री तो रहे नहीं, अगर ये किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर किया गया है, उस राजनीतिक पार्टी से सवाल पूछे जाने चाहिए।
अगर ये किसी राजनीतिक दल के कहने पर हुआ है, राजनीतिक दल के किसी नेता के कहने पर हुआ है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि भाई आपने किस आधार पर यह कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज मोड ऑफ रिक्रूटमेंट उसको क्या कहते हैं इंप्लीमेंट करो जम्मू कश्मीर में। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज मोड ऑफ रिक्रूटमेंट शुरू किया कल पल्लवी, हो सकता है कल आपको सिविल सर्विसेज में भी लोग आ जाएं, कहें जी आप हमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूट करो, मैं डोडा का रहने वाला हूं, मैं डोडा का केएस अफसर बनूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा ही नहीं। और कल आप जिसको डोडा में पोस्ट कर रहे हो, मतलब बैंक ये भी नहीं सोच रहा लिटिगेशन कितनी ज्यादा होगी इसमें। आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट कर ली, एक आदमी को जब आपने डोडा में लगाया, लिस्ट में लिखा जी आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी रिक्रूटमेंट डोडा में हो गई, ठीक है जी, आपको नहीं लगता कल जब आप उसको डोडा से दिल्ली भेजेंगे वो कोर्ट में जाएगा कहेगा जनाब मेरी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट हुई है, ठीक है जी, तो मुझे, आप कहेंगे नहीं जी हमने ऊपर लिखा था ऑल इंडिया बेसिस, वो कोर्ट में जाकर कहेगा जनाब ऑल इंडिया बेसिस तो ऊपर आपने लिख दिया था लेकिन नीचे आपने ये नहीं लिखा था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ था वो खाली मेंस एग्जामिनेशन के लिए था, अब तो बच्चे मेंस में बैठ चुके हैं, मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है, तो अब दिक्कत क्या है? देखिए मेंस में बच्चे बैठ चुके हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने आपको वही बोला ना कि उस कंफ्यूजन के साथ बड़ा एक बड़े खूबसूरत तरीके से प्ले किया गया, वो जो कंफ्यूजन हुआ 40 वाला कि जनाब 40 पर तो कुछ नहीं। अब अगर मेंस का जो रिजल्ट निकलता है अगर वो स्टेट वाइड लेवल पे निकलता है फिर? देखें पल्लवी, अब अगर आपका मेंस का स्टेट वाइज लिस्ट निकलती है, अब 1:50 की रेशियो है, अब 1:50 की रेशियो में रिजल्ट जो भी निकलेगा उसमें जाहिर सी बात है ये तो टैलेंट और कैपेबिलिटी की बुनियाद पर आप जो भी रिजल्ट निकलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये सिलसिला यहीं पर थमेगा। मेरी अपनी ये मतलब एक मैं कह सकता हूं कि मेरी अपनी एक भविष्यवाणी है कि अगर अब लिस्ट निकलती भी है स्टेट वाइज वो भी लिटिगेशन का हिस्सा बनेगी, यही बच्चे कल कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे जनाब आप बताइए आपने 1:50 क्यों किया, किसके कहने पर किया। और जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि जब आपने किसी को डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूट किया, आप जब कल उसको कहेंगे जी हमने तो एडवर्टाइजमेंट में कहा था आपको ऑल इंडिया बेसिस पर पोस्ट किया जाएगा, वो आपसे पूछेगा महोदय आपने ये तो कहा था लेकिन आपने तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तब कहा नहीं था, जब आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज बिना कहे कर दिया तो जनाब फिर ऑल इंडिया भी हम मानने को तैयार नहीं है। हमने जब आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज माना, हम आपको हमारा ऑल इंडिया, हम आपका ऑल इंडिया नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी है, तो उस वक्त भी फिर लिटिगेशन होगा। मुझे लगता है जिस समय ये रिक्रूटमेंट हुई इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर मेरिट की बुनियाद पर जम्मू के बच्चे ज़्यादा आ रहे थे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी थी। आपने फौरन सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल वो जो ऊपर बॉसेस हैं या वो बॉसेस जिनको ये लगता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि भाई जो वो कहते हैं मान जाओ, दिस इज नॉट द वे। वे आउट इज कि जो स्टेट वाइज आपकी लिस्ट ऑलरेडी बन रही थी आपने उस स्टेट वाइज लिस्ट को तैयार करना था, और अगर कश्मीर का कोई बच्चा उसमें फॉल कर रहा है तो बिल्कुल आ जाए, अगर नहीं फॉल कर रहा जबरदस्ती उसको घुसाना मेक्स नो सेंस। और उसके बाद एक और चीज, जिस तरह की रिक्रूटमेंट हुई है, मैं देख रहा हूं कि कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं, देखते हैं पल्लवी अगर कोई और कमेंट्स हैं, मैं माफ कीजिएगा मैं आपको बता रहा था कि और उसके अलावा कुछ चीजें और जो सामने आई कि पूर्व जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने अपने कुछ रिश्तेदारों को इस बैंक में लगाया। मैं आपसे समझ आऊंगी कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर बैंक में काबिलियत कोई पैमाना रहा ही नहीं है, चाहे वो प्रमोशन की बात हो या इस वक्त रिक्रूटमेंट की? देखें मुदस्सिर अली बानी लिख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्रूटमेंट है। आलिया बांडेल, इट्स रिटन फर्स्ट पैराग्राफ दैट पोस्ट आर एज पर डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। आलिया जी, एज पर डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में दो पोस्टें, दो वैकेंसीज हैं तो दो वैकेंसीज के अगेंस्ट दो लोग लगेंगे। इसको समझें जरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया कि कठुआ के लोग, कठुआ के जो बच्चे हैं वो कठुआ में ही उन्हीं दो पोस्टों के लिए कंपीट कर सकते हैं, बाकी किसी पोस्ट के लिए कंपीट नहीं कर सकते। खुदारा इसको समझें, रिक्रूटमेंट इस तरह की है, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि आप बैंकिंग एसोसिएट्स को, जितने भी बैंकिंग एसोसिएट आपने सेलेक्ट कर दिए, सेलेक्ट करने के बाद आप उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं करते, ब्रांच अलॉट करते हैं। आप जो कह रही हैं, आप कह रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कहीं नहीं होता जनाब। डिस्ट्रिक्ट जब अलॉट होने लगे बैंक के मुलाजिमों को तो फिर उनकी नौकरी तो सरकारी हो गई, सरकार जैसी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट जैसी हो गई। सो नो डिस्ट्रिक्ट इज अलॉटेड टू एनी बैंकिंग एम्प्लॉई, अ बैंकिंग एम्प्लॉई इज अलॉटेड ब्रांच, मतलब आपको डोडा की ब्रांच में लगा दिया गया, कल हो सकता है आपको किश्तवाड़ में किसी ब्रांच में पोस्ट कर दिया जाए, तो इसको समझें। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो पिछली रिक्रूटमेंट थी वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं थी, डिस्ट्रिक्टों में लोग लगाए गए थे, इसमें कोई शक नहीं,
जम्मू में एक बच्चा सिलेक्ट होता है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर नौकरी कर रहा है, नॉट अ बिग डील, बिकॉज ये लिस्ट आपका स्टेट वाइज बनेगा। स्टेट वाइज लिस्ट बनने के बाद आपकी जब नौकरी लग जाएगी फिर बैंक जहां चाहेगा, खुद बैंक ने लिखा है, जहां चाहेंगे वहां आपको पोस्ट करेंगे। लेकिन ये करना कि जनाब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें हमने 100 बच्चे ले लिए तो श्रीनगर का कट ऑफ इतना बना, हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए 15 बच्चे ले लिए तो वहां का कट ऑफ ये बना, इसका मतलब आपने जो कठुआ का बच्चा लगाना है वो कठुआ की ही 2 पोस्टों के अगेंस्ट लगाना है। इसका मतलब जो उसका हक है कि वो जम्मू में किसी भी बैंक की ब्रांच में लगे, आपने उससे उसका वो हक छीन लिया, विच इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड विच इज अगेंस्ट हिज फंडामेंटल राइट। उसका फंडामेंटल राइट ये है कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बैंक उसको पोस्ट कर सकता है। तो और कोई कमेंट है अगर आप जिसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी वुड लाइक टू एंड दिस लाइव। ये साहिल जी कह रहे हैं, पीपल हु आर रिक्रूटेड इन जेके बैंक इन नवंबर 2018 ऑन द एडवाइस ऑफ सत्यपाल जी, ऑल बॉयज आर प्लेस्ड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल, ये साहिल भी कह रहे हैं कि जितने बच्चे 2018 में जो रिक्रूट हुए नवंबर 2018 में वो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में काम कर रहे हैं। और साथ में ये भी सही है, आकाश कह रहे हैं कि जिनका ज्यादा मेरिट है वो बाहर क्यों जाएंगे। अब यही सब सवाल है, तभी मैंने आपको बोला कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के साथ ये जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन है। जन्नतुल रिजवान कह रहे हैं स्टेट लेवल के लिहाज से पसमानदा डिस्ट्रिक्ट का नुकसान होता है, चंद डिस्ट्रिक्टों को फायदा होता है। देखिए आप पसमानदा डिस्ट्रिक्ट की बात ना करें, इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जब शुरू होता है उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में बाजाबता रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का बेनिफिट जो जितना बैकवर्ड इलाके का है उसको मिलता है, किसने का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और एज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिस इज इन द नोटिफिकेशन, आपको बीजेपी झूठ के लिए एमएलए नहीं बना सकती। मुदस्सिर साहब मुझे कोई एमएलए नहीं बनना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बैंकिंग एसोसिएट के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पहले नोटिफिकेशन देख लो, मैंने ये सारी नोटिफिकेशन देखी। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो यही है तमाम स्टूडेंट्स को कि स्टेट लेवल की लिस्ट बननी चाहिए और स्टेट लेवल की लिस्ट बनने के साथ साथ में पल्लवी जी मेरिट की बुनियाद पर लोग सिलेक्ट होने चाहिए। जो आज तक जम्मू कश्मीर बैंक में हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी बैंकिंग, अच्छा अब कमाल की बात और एक देखें, आपने पीओ का रिजल्ट जम्मू कश्मीर बैंक ने निकाला लेकिन आप बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट निकालने से डर रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं, निकालिए ना बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट। आपने तो पीओ का रिजल्ट झट से निकाल लिया था, बैंकिंग एसोसिएट के रिजल्ट में इतनी आपको परेशानी क्यों हो रही है? इसका मतलब अब आपको डर लग रहा है कि अगर अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली तो हंगामा, अगर हमने स्टेट वाइज निकाली तो हंगामा। इतना डरने की घबराने की, अगर आपका प्रोसेस फेयर है निकालिए लिस्ट, लेट द लिस्ट बी मेड पब्लिक, वंस द लिस्ट बिकम्स पब्लिक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, जैसे आपका बैंकिंग एसोसिएट का है, आपने खुद कहा है ऑल इंडिया बेसिस पर आपको पोस्ट किया जाएगा, निकालिए आप स्टेट लेवल की लिस्ट, सब सिलेक्ट हो जाएंगे, पता चल जाएगा 2000 पोस्टें हैं जम्मू रीजन के, 1600 सिलेक्ट होते हैं तो होने दें, वाई आर यू वरिड। आप ये जो बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में रहते हैं पीएससी में भी, एसएसआरबी में भी और अब बैंक में भी, कि जी यहां का बैलेंस ठीक करना है वहां का बैलेंस, उसी की वजह से आज आपकी स्टेट में इतनी बीमारियां और इतनी परेशानियां हैं। आज जम्मू का नौजवान अगर सड़क पर उतरता है पत्थर लेकर और परेशानी में उतरता है, वो इसीलिए उतरता है क्योंकि उसको लगता है उससे उसका हक छीना जा रहा है, और सिर्फ इसलिए छीना जा रहा है कि जी कश्मीर वाला नाराज ना हो जाए, लद्दाख वाला नाराज ना हो जाए। ये गलत तरीका है, तरीका सिंपल ये है, जैसे आप मेरिट शुड बी द ओनली बेसिस, सेकेंडली यू हैव डन इट विद नीट, नीट के एग्जाम आज होते हैं, क्या आपने सड़कों पर जम्मू के बच्चों को आते हुए देखा? नहीं, वो कह रहे हैं ऑल इंडिया एग्जाम है, हम पेपर देते हैं, चेक करने वाली एजेंसी जो है वो दिल्ली में बैठी हुई है, हमारा रिजल्ट आता है, क्योंकि भरोसा है कि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्ट है। और साथ में पल्लवी जी जो पीछे का रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड को देखें ना, आप बताइए आपका जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप क्या उसका जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पीर वो जेल में है या नहीं है? क्या 2002 से या उससे पहले भी जितनी रिक्रूटमेंट हुई है क्या क्राइम ब्रांच के पास वो केसेस हैं या नहीं है? पब्लिक सर्विस कमीशन में आप कितनी बार लिटिगेशन में पब्लिक सर्विस कमीशन आया, क्या ये हकीकत है या नहीं है? ये तमाम चीजें तो हुई है ना कहीं, एक बार आप 2009 में रिक्रूटमेंट होती है पीएससी में, उसमें इल्जाम लगा दी उर्दू के स्टूडेंट्स ज्यादा सिलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं अगर जम्मू के बच्चों के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट है, उन्हें विश्वास नहीं है इस जो ये रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है,
तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने का तरीका यही है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट करें. आपने अगर IBPS को दिया है, अगर आपने जो इंडियन बैंकिंग एग्जामिनेशन होता है, अगर आपने उसको दे दिया है, आप मुझे लगता है बेस्ट वे फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन J&K यू आउटसोर्स एवरी रिक्रूटमेंट दैट यू आर डूइंग, आउटसोर्स इट, ब्रिंग पीपल फ्रॉम दिल्ली, ब्रिंग पीपल फ्रॉम यूपी, बिहार से आप लोग ले आओ, उनसे रिक्रूटमेंट कराओ, सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी के दिल में कोई शक व शुबा ना रहे, सबको लगे जी फेयर हो गया. जब तक आप लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल यहाँ के ऑफिसर्स, लोकल लोग इस सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, ये कन्फ्यूजन रहेगा, ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा, और नतीजा इसका ये निकलेगा कि कल यहाँ ऑलरेडी पार्टियाँ कुछ हैं जो डिमांड कर रही हैं कि PSC अलग करो, SSRB अलग करो, आप अपना बैंक का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो जम्मू के लिए अलग करो, कश्मीर के लिए अलग करो. ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं. फिर यही होगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जम्मू में भी बच्चे इस वक्त जो इस वक्त आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट PhD उनकी तादाद हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ती जा रही है. कहां कहां कॉलेजेस खुल गए, सेपरेटिंग इट वुड ओनली क्रिएट अ गैप. एंड द अदर थिंग इज दैट वेयर यू हैव कॉलेजेस एट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ योर प्रोविंसेस, बोथ जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस, यू हैव अ, इफ यू वुड लुक एट द डाटा, you are having schools in remotest of the corners of Jammu and Kashmir. Whether they are functional or not is not an issue. The issue is if you have a school, you will have students. If you have a college, you will have students. आज आपका, आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटियाँ आपके जम्मू में चल रही हैं, आज आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग से फंक्शन कर रही है, आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी अलग से फंक्शन कर रही है. सो इसका मतलब ये हो गया कि द नंबर ऑफ पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट इज गोन इंक्रीज मैनिफोल्ड इन द डेज टू कम. विल यू बी एबल टू एड्रेस इट? यू वोंट बी. व्हाट विल दैट लीड टू? इट विल लीड टू सीरियस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और रिजल्टेंटली यही होगा कि आंदोलन होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, हंगामे होंगे, और नतीजा इस सारे का क्या निकलेगा? एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डिवाइड PSC, डिवाइड SSRB, डिवाइड एवरीथिंग, सो दैट टू एंश्योर कि जम्मू के बच्चों को यह न लगे उनसे नाइंसाफी हुई, और कश्मीर के बच्चों को यह न लगे उनके साथ ज्यादती हुई, और लद्दाख वाले ये न समझे कि सब कुछ जम्मू कश्मीर खा जाता है, हम तो ऐसे ही हैं यहां पर, हमें यूनियन टेरिटरी देकर अलग करो. सो इफ यू वॉन्ट कि इस ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये कम हो, द वे आउट इज कि आप जम्मू कश्मीर बैंक में आपका बैंकिंग एसोसिएट का रिजल्ट निकलना है, निकालिए स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकालिए. आपका PO का मेंस एग्जाम हो चुका है, अब आपने रिजल्ट निकाल लिस्ट निकालनी है, निकालिए स्टेट वाइज. मेरिटोरियस जो होंगे वो आ जाएंगे, जो मेरिटोरियस नहीं होंगे वो रह जाएंगे. कम से कम बच्चों को विश्वास तो बिल्ड होगा ना. आपने जिस बच्चे को ऑल इंडिया पोस्ट करना है आप उसको कह रहे हो जी तू डिस्ट्रिक्ट वाइज मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आएगा. सो all and all this breach of trust can be addressed only if you recruit people on the basis of merit. Thank you so much Mr. Janet. to aapne suna ki inka kya kehna tha. ummeed karte hain ki jis divide ki ye baat kare JKSSB aur baaki organizations mein waisa divide jo hai wo create na ho, aur ye bhi ummeed karte hain ki JK bank ke recruitment process ko lekar jo bhi controversy hai usme jo confusion wo thodi si clear hui ho. is live discussion se Pallavi Sareen ko dijiye ijazat.